मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी आधारित भुगतान से उत्पन्न हुई समस्याओं सहित अन्य दिक्कतों को लेकर मनरेगा मजदूरों ने शुक्रवार को हुंकार भरी। मनरेगा की 18वीं वर्षगांठ पर मनरेगा मजदूरों ने संगठन किसान मजदूर संगठन के बैनर तले आवाज बुलंद की। मनरेगा मजदूर ने कहा कि उन्हें मनरेगा से बड़े पैमाने पर रोजगार तो मिला, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी और आधार आधारित भुगतान से उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इन हालातों में वह तनाव में रहने को मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें न तो समय पर काम मिल पा रहा है और न ही समय पर मजदूरी का भुगतान हो पाता है। मजदूरों ने बताया कि रन्नूपुर गांव में 100 दिन की डिमांड के बावजूद अभी तक 28 दिन का काम मिल पाया है, जिसमें 20 मजदूरों की 2022 की मजदूरी अभी तक बाकी है। ऐसे ही लोहारखेड़ा में 20 दिन का काम चलना तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उस काम का मस्टर रोल नहीं निकल रहा। ऐसी ही एक नहीं, कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर मजदूरों ने संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक परिसर मिश्रिक में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर भी उतरे। संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह ने कहा कि आखिर उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि वह आगामी कई दिनों तक अपना विरोध प्रदर्शन अलग अलग विकास खंडों में जारी रखेंगी। मिश्रिक में विरोध प्रदर्शन में कुलदीप कुमार, गोकर्ण प्रसाद, ओम प्रकाश, राम कुमार, अखिलेश कुमार बिटोली, रामचंद्र, नीरज, कमल किशोर, सुंदर, मीना देवी, शिव कुमार, सुरेश, संगीता, विश्राम, सुरबाला सहित तमाम संगठन कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर एडीओ समाज कल्याण अमिताभ वर्मा को ज्ञापन भी सौंपा गया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।